कमेंट आते रहते हैं कि भाई कोई चैलेंज करो, चैलेंज क्यों नहीं करते हो। अब मेरे समझ में यही नहीं आता कि किस किस्म का चैलेंज करूँ यार, कोई गन्स का चैलेंज या फिर ड्रॉप ड्रॉप, यार वो सब चीज़ें कर चुका हूँ, रिपीट करने का मन नहीं होता। तो फिलहाल कहीं थोड़ा सा अलग चैलेंज है ये, हम जिस हॉट ड्रॉप पे बंदे निपटाएंगे उस हॉट ड्रॉप पे वहाँ पे गन स्विच करी जाएगी। अब कौन सी गन होगी ये अपनी चॉइस है, बाकी यहाँ पे हम कुएं देवी पूछेंगे, लेकिन कोई भी नहीं कुआ था। बट जैसे इस तरफ आते भैया एक बंदे की झलक मेरे को दिखाई देती है, लेकिन शायद ये बढ़ता। अब देखो यहाँ पे गन स्विच नहीं करी जाएगी बिकॉज यहाँ पे कोई हॉट ड्रॉप नहीं है, बिकॉज यहाँ कोई बंदे आए नहीं तो क्या आएगा फिर हॉट ड्रॉप। तो फिलहाल लेफ्ट साइड में तुम देखो यार फ्लेयर चलते हम वहाँ की तरफ जा रहे होते हैं, बट जैसे इस तरफ आता हूँ सामने की तरफ दिखाई दे रहा है मुझे एक बंदा, लेकिन हमारी गाड़ी जो यहाँ पे पलट जाती है और मैं फटाफट रखता हूँ एंड। अबे टॉमी तो किस कदर अच्छी चल रही है पूछो मत, लेकिन यहाँ पे गाड़ी का तो जो स्वाहा हो चुका है तो फटाफट अब जो है पैदल ही सफर तय करना पड़ेगा। तो फटाफट हम चले आते हैं इस ड्रॉप की तरफ, लेकिन मेरा टीममेट अभी भी काफी 100-200 मीटर दूर था, तो मैं रश तो करने वाला नहीं था, बट यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ और पोजिशन का अंदाजा लगा रहा होता हूँ। और इतने में भाई जब सामने की तरफ से किस खतरनाक तरीके से फायरिंग साउंड आएंगे, बस तुम ये सुनना। अब इतने सारी फायरिंग साउंड सुन के मेरे में तो रहा नहीं गया, मैं भी बढ़ता हूँ आगे। अब यार मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, दूसरे बंदे को काफी हद तक डैमेज दिया, मतलब ये 50 गोलियां इतनी खराब तो नहीं है, और फटाफट यहाँ पुश कर देता हूँ। बट ये कितने बंदे हमें शिकंदा है बिल्कुल नहीं, तो मैंने फटाफट सबसे पहले एक ग्रेनेड को रखा था हाथ में, और एक बंदा मुझे बाहर कूदता हुआ दिखाई दे गया, मतलब सुनाई दे गया, तो मैंने वहां की तरफ ग्रेनेड थ्रो करा। और यार अब तो पूरी स्क्वाडी कूद चुकी है पीछे की तरफ। भाई सही में खिल चोरी होते होते बचा। अब तुम यहाँ पे एक चीज देखो, हमने तीन बंदे नॉक करे और चौथा साइड से बॉट था क्या था वो तो मुझे नहीं पता, बट हमने उससे भी जो नॉक कर दिया। फिलहाल के यहाँ पे जितने ही बंदे हुए थे नॉक ही हुए, तो सारे सारे जाहिर सी बात इनका भी टीममेट अभी होना चाहिए आसपास, और साथ ही साथ ये जिन बंदों को मार रहे हैं गाइस एक स्क्वाड वो भी होनी है। फिलहाल हमें तो किसी बंदे की पोजीशन का पता अब तक बिल्कुल नहीं है, लेकिन गाइस अगले पल भैया किसी ने फेंकी यहाँ पे सोनिक पावर, तो इससे इतना कन्फर्म हो चुका है कि बंदा कोई ना कोई आसपास है, तभी ये पावर का यूज जो हुआ है। फिलहाल देखो गाइस यहाँ पे हम फटाफट एक पावर का यूज मैं भी करने वाला हूँ सामने की तरफ, बिकॉज मुझे लग रहा था स्टार्टिंग में जब मैंने एक बंदा नॉक करा था कोई सामने की तरफ फायर कर रहे थे, तो क्या पता इधर उधर कोई बंदा हो। तो जैसे ही मैंने पावर बाकी तरफ फेंकी हुई है, पहली वे में तो कोई नहीं आया, लेकिन अगली पल भाई जैसे यहाँ पे लूट रहा होता तो तभी ये एक बंदा ऐसे डिटेक्ट हो चुका है। अब उसकी पोजीशन का अंदाजा हमें है, लेकिन भाई साहब यहां से तो बिल्कुल दिखने वाला बंदा वो है नहीं, और अगले पल मैं सोच रहा होता हूं क्या करूं क्या ना करूं भाई साहब। इतने में भाई साहब टीममेट को नॉक कर दिया बगल वाली बिल्डिंग से, कैसे करा किस एंगल से करा वो तो मुझे समझ नहीं आया, बट इतना पता है मुझे कि यहाँ पे हम पे रश हो चुका है और मुझे जाना अपने टीममेट को रिवाइव देने के लिए। फिलहाल जल्दी से ऊपर आता हूँ, अपने टीम को जो हाथ लगा लेता हूँ, लेकिन जैसे ये बंदे बिल्डिंग में दाखिल हुए पहले लगा एक ही बंदा, लेकिन नहीं ये थे दो बंदे। अब फिलहाल दिमाग यूं खराब हो रहा था, अगर दो है तो ठीक है, लेकिन अगर दो ज्यादा हुए तो यहाँ पे फिर से दिक्कत याद हो सकती है। बट जो भी गाइस अब बंदे को रिवाइव दे दिया तो मैं बिल्कुल रेडी हो चुका हूँ 50 गोलियों के साथ वो भी। अब देखो भाई साहब यहाँ पे फाइनली इन बंदों को जो है डायरेक्ट किल कर दिया है, तो इतना तो संतुष्टि है भैया कि एक स्क्वाड का जो है यहाँ पे ताम तमाम हो चुका है, काम तमाम हो चुका है, तो तलापन पता नहीं क्यों आ रहा है। बट जो भी कहीं यहाँ पे फटाफट लूटते, और सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे गन स्विच करी, मैंने भैया टॉमी की जगह पे यहाँ पे उठा लिया उजी, बिकॉज क्लोज रेंज में ऑब्वियसली बहुत अच्छी चलती है और मजा भी आएगा। लेकिन भाई हमें लग रहा है सब निबट चुके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक बंदा ऑलरेडी घर में है और ये गाड़ी भी। अब ये गाड़ी वाले मुझे लगा ऐसे यहीं पर उगाई, तो मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ, लेकिन भाई साहब इतने पड़ती पीछे से।
भाई सही में यहाँ तो बाल बाल बचे, बट गाइस इस बंदे को भरना जरूरी है। बट जैसे हम थोड़ा क्लोजिंग करेंगे इसे मारने के विचार से, भैया इसे जो है इजीली मेरा टीममेट भर देता है। डार्लिंग उमरादाबाद, ये कब हुआ भाई साहब? मैं तो यहाँ पे नेटवर्क की तैयारी कर रहा था, इनने तो भैया पहली भर दिया, प्री फायर में लेके बढ़ चुकेगा। यहाँ सफाया हो चुका है और इसके बाद अब यहाँ से निकलने की बारी है। बट स्ट्रगल अभी भी लाइफ में था बिकॉज गाड़ी नहीं थी, और जैसे इस तरफ आए भैया फाइनली गाड़ी मिल जाती है और साथ ही साथ लेफ्ट में चलिए फ्लेयर भी तुम देख ही पा रहे होगे। बट गाइस इतना आसान भी नहीं है यहाँ से निकलना, बिकॉज गाड़ी लेकर जैसे ही निकलेंगे भाई जोन की एज पे ही बंदे बैठे पड़े होते हैं। कैसे जैसी गाड़ी उठा के मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ भाई, वो देखो लेफ्ट साइड में गाड़ी खड़ी और ऊपर बंदे भी हैं। फिलहाल गाड़ी सबसे पहले यहाँ पे कवर में रोकी और अपनी जो है एक सॉरी कवर का यूज करा जाए। अगर सोनिक पावर ने तो बंदे डिटेक्ट नहीं कर पाए, बट हमारी आंखों ने बंदों को डिटेक्ट कर लिया कि वो सामने वाले पत्थर पे, तो मैंने फटाफट वहां पे एक नेट थ्रो करने का प्रयास करा, बट नेड दादा यहीं पे फट जाते हैं पीछे की तरफ। तो फटाफट हम थोड़ा सा रोटेशन लेके ऊपर की तरफ जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे आखिरी बंदे साथ हुआ गया, मुझे समझ नहीं आया, भर चुका यहाँ पे इन बंदों को भर दिया और जल्दी से लूट करके निकलते हैं, बिकॉज फ्लेयर पे मैं जाना था। लेकिन जैसे लूट करके मैं से निकलते हैं भाई साहब, हमने जो यहाँ पे गन स्विच नहीं करी है, और ये चीज होता तो मैं भूल चुका था कि ऐसा भी कुछ हम कुछ कर रहे हैं। बट इतने में राइट साइड से ये बॉट फायर कर रहा है, क्या कर रहा है मुझे तो बहुत ही लगा पर्सनली सही था पहली डेयर में। लेकिन जैसी गाड़ी रोकी भैया, मैं इस बॉट को बड़े प्यार से पीक फायर देने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भैया इतने पड़ता है हमको ये टप्पा। भाई सही में मैं चुपचाप पीछे के लेट गया और जल्दी से हील करी, बिकॉज यहाँ पे ये कोई एक बॉट या फिर दो बंदे नहीं है बल्कि पूरी पूरी स्क्वाड है। और जैसे हील करी भाई सामने देखो कारंट वाला स्पॉट है, लेकिन भाई उसके पास है स्नाइपर, शूटर, बच के रहना पड़ेगा। बट उससे पहले उसका टीममेट चपेटे में आया था, जो कि ओपन से भी जोनिंग करने वाले होता था, बट जो यहाँ पे इस बंदे को भर दिया है। और जैसे मैं रोटेशन लेता हूँ भैया, एक बंदा मेरे को अगली रिस्ट पे स्पॉट होता है, और भाई सही में 10% का साइन मतलब चाय कहीं। और अब ये ग्रेनेड देखकर मैं इतना तो समझ गया था कि भाई साहब यहाँ पे और पास में भी एक बंदा बैठा पड़ा है जो कि धप्पा कर सकता है हम पे कभी भी। और इतने में गाइस वेव से डिटेक्ट होने से पहले मेरे को उसकी हल्की सी मुंडी चमक जाती है, तो मैंने वहां की तरफ एक ग्रेनेड थ्रो कर दिया। अब ये ग्रेनेड थोड़ा सा हवा हवाई बनते हुए हवा में फट जाता है, बट जो भी मैंने एक ग्रेनेड और थ्रो करा, परंतु लौंडा समझदार था भैया, बार बार मूवमेंट दिया जा रहा था। फिलहाल हमने फाइनली इस पे पुश करने के बारे में सोचा। और इसे भी नॉक गिराया, बचा है सिर्फ और सिर्फ एक आखिरी बंदा, जो कि अब आए चाहे ना आए लेकिन हमें 3 किल मिल चुके हैं, हम काफी संतुष्ट हैं। और अब 4th किल की भूख भी हमें थोड़ी बहुत लगी है। फिलहाल गाइस यहाँ पे वापस एक और स्क्वाड का सफाया हो चुका है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली होता क्या गाइस यहाँ पे क्या कि जोन इन हमें करना था 12 सेकंड में और हम जा रहे थे बेसिकली प्लेयर की तरफ, लेकिन भैया हम भूल जाते हैं यहाँ पे गन स्विच करना। अब इस गन स्विच के चक्कर में देखो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, मुझे अपनी टीममेट से लेनी पड़ती है K98। फिलहाल जो भी यहाँ पे मैं जैसे आता हूँ उस घर में, अब हमें सकता आसपास कोई बंदा लेटा बेटा ना, सबसे पहले पावर का यूज करा, पावर में तो कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जैसे ऊपर आता हूं भाई मेरा टीममेट बोलता है गाड़ी आ रही है, बस सही गाड़ी आ। अब देखो कहने के तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ यहां पे 3 स्क्वाड बची हैं, 2 स्क्वाड वो और एक डुबो हम, लेकिन भैया अब जंग जो है थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, बिकॉज बंदे सामने
और आपस में लड़े जा रहे हैं, और इस आपस की फाइट का हम कितना फायदा उठाएंगे ये तो तुम देख ही लो। अब मैं जैसे यहाँ पे खड़ा होता हूँ, सामने की तरफ से लगातार फायरिंग शॉट आते हैं। अगर फायरिंग शॉट अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे तो मैं अपने टीममेट से बोलता हूँ चलो भाई साहब हम भी जो चलते हैं और चल के धप्पा कर देते हैं उन पर। लेकिन कहीं जितने में मैं देखता हूँ कि जोन जस्ट कुछ सेकंडों में ही आने वाली है, तो हम अपने आप को थोड़ा सा रोकते हैं और यहाँ पे रुक जाते हैं। और एक बंदा मेरे को यहाँ पे स्पॉट हो रहा था, बट हल्की सी लो रेज होने के कारण बंदा फिर से अनविजिबल हो जाता है। इनविजिबल अब देखो एक सेकेंडरी गन भाई साहब यहाँ पे अगर मैं उजी यूज कर रहा हूँ तो उजी मेरे किसी भी काम की नहीं है। तो यहाँ पे मेरे अपने टीममेट से बोल के स्नाइपर उठा लिया है। अब बस दिक्कत ये होने वाली थी अगर वो चार बंदे बचते हैं पूरी पूरी स्क्वाड के, तो अगर वो रश करेंगे तो मेरे लिए दिक्कत वाली बात हो सकती है। बट जो भी गाइस यहाँ पे चैलेंज था तो उठानी पड़ी मजबूरी में, थोड़ी सी पेनल्टी लगेगी वो देखने वाली बात है। लेकिन उससे पहले गाइस हम यहाँ पे आए और मेरे को टीममेट मार्क करता है कि उसे राइट साइड में बंदा स्पॉट हुआ, मैं समझ नहीं पाया भाई इसने कहाँ मार्क करा है। बट मुझे राइट साइड में मार्क देखा तो मैं फटाफट कूदता हूँ और उस तरफ बंदे जो स्पॉट करने के लिए जाता हूँ। भाई साहब इतने में मुझे वहां की जगह बंदा कहां स्पॉट होगा, बस तुम ये देखो वो देखा सामने पत्थरे बंदा। अब भाई साहब उसके पास AWM लेकिन फिर भी मैंने एक हेड चिपका दिया, बट अनफॉर्चुनेटली थर्ड लेवल का हेलमेट था। अब यार एक पत्थर पे एक पेड़ पे तो दो बंदों की पोजीशन तो पता है हमें, और तीसरा बंदा मुझे पीछे स्पॉट हुआ तो उसे भरा और एक बॉडी शॉट। तो भाई साहब ये 5% का बैटरी का साइन, मतलब सही में ये पेनल्टी के तौर पे तो नहीं लग रहा कहीं। बट जो बिकॉज यहाँ पे अब हमें गेम जो है 5% बैटरी के अंदर ही खत्म करनी पड़ेगी। फिलहाल जो बिकॉज यहाँ पे अब फाइट जो है 1v4 की, सॉरी 2v4 की नहीं बल्कि रह रही है 3v2 की। अब 3 वो है 2 हम हैं, तो देखने वाली बात है भारी कौन किस पे पड़ेगा। अब भाई सही में ये देख कर ना थोड़ी सी दिल में दगदग हो रही थी, क्योंकि भैया अब अगर मैं बचा नहीं तो गेम की ऐसी तैसी होने वाली। 17 किल बड़ी मेहनत से करनी है। फिलहाल टीम में आकर रिवाइव दे देता है, लेकिन इतने में तुम ये देखो ये बंदे भी रोटेशन ले रहे हैं आगे की तरफ से लेफ्ट राइट होते हुए, और एक आधी नेट भी ने थ्रो कर दिए हैं। फिलहाल जल्दी से मैं हील करता हूँ, एक बंदा अगली बुश पे आ चुका है। अब देखो इनका एक बंदा नॉक तो कर दिया, लेकिन अगला बंदा जो है इसी बुश पे, तो मैंने फटाफट एक ग्रेनेड यहां पे थ्रू कर दिया। लेकिन उससे पहले भैया मेरा टीममेट नॉक, अब मैंने एक बंदा नॉक कर दिया, लेकिन इतने में जो दूसरा बंदा था जो पेड़ पे था जो कि वो गाइस घर में आ चुका है और मेरे टीममेट को कर देता पूरा फिनिश। और यार इसके पास है गुरुजा, तो सही में भाई मैं तो बिल्कुल घुसने के इरादे से बिल्कुल नहीं कि घुसके से मारूं भाई, सही में यही कोई गलती करे तो उसी गलती का जो मैं फायदा उठा सकता हूं। बट गाइस यहां पे अब गेम थोड़ी सी संभल के खेलने वाली है और शांति से। अब मेरा यहां पे प्लान एक ही था, क्या पता है डर के मैं स्मोक फेंकूं तो डर के बाहर कूदे, कैसे भी कूदे पर कूद जाए। बट भाई साहब बंदा बहुत शातिर था। फिलहाल यार मैं थोड़ी देर यहां पे होल्ड करता हूं और भाई साहब ये फेंकता है ग्रेनेड। अब इसके पास थ्रोएबल और इतने में देखो इसने करी यहाँ पे एक मॉली कुक। देखो और भाई साहब मैंने इसे अच्छा खासा डैमेज दिया और इस बार मैं रुकने वाला बिल्कुल नहीं था। और गाइस मैं अपना एम बिल्कुल हेड की तरफ रखता हुआ चला गया और भाई सही में इस बंदे को भर दिया और पहले हो चुका है एक और विनर विनर चिकन डिनर। तो गाइस आज का कोई गेम पे लगा कैसा वो जरूर बताना कमेंट करके, अगर अच्छा लगा है तो हिट दैट लाइक बटन और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल के लिए मैं चलता हूं, मिलूंगा फिर से। बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, सेफ गाइस एंड गाइस कीप सपोर्ट।